किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने रबी की फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार जताया। इस दौरान कमल पटेल ने कहा कि मोदी सरकार ने किसान हितैषी फैसला लेते हुए गेहूं, चना, जौ, मसूर, सरसों और कुसुम के फूल के समर्थन मूल्य में 35 रुपए के 400 रुपए की उल्लेखनीय वृद्धि की है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि केंद्रीय सरकार द्वारा लिए गए फैसले से गेहूं का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़कर 2015 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसी प्रकार चना का समर्थन मूल्य 130 रुपए से बढ़कर 5,230 रुपए, जौ 35 रुपए से बढ़कर 1,635 रुपए, मसूर 400 रुपए से बढ़कर 5,500 रुपए और सरसों 400 रुपए से बढ़कर 5,050 रुपए और कुसुम के फूल 114 रुपए से बढ़कर 5,544 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदे जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा निरंतर किसानों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग सहित भोपाल, होशंगाबाद और जबलपुर संभाग के 13 जिलों में, जिसमें ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, श्योपुर, भिंड, मुरैना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर जिले आते हैं, जिसमें 1 लाख से अधिक किसान करीब 5 लाख हेक्टेयर में बासमती धान का उत्पादन करते हैं, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, खुशबूदार है। लेकिन GI टैग के मामले में एपीडा ने आपत्ति ली और मद्रास हाईकोर्ट ने 2016 में हमारे खिलाफ ऑर्डर किया 2020 को। उसके बाद हम मध्य प्रदेश शासन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई और सुप्रीम कोर्ट में हमें स्टे मिला और 2 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय, जो मध्य प्रदेश के खिलाफ था GI टैग बासमती के, उसको निरस्त किया है और पुनः दोबारा सुनवाई करने का और 3 महीने में निर्णय देने का आदेश दिया है, जिससे मध्य प्रदेश का पक्ष मजबूत हुआ। साथ ही जो स्टे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको अभी निरंतर जारी रखा है, जिससे उम्मीद बढ़ गई है हमें कि मध्य प्रदेश को बासमती चावल का, धान का GI टैग मिल जाएगा, जिससे हमारे किसानों की आय 2 गुना और 3 गुना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, संकल्प साकार होगा कि किसान की आय बढ़े। GI टैग मिलने के बाद में हमारे बासमती धान की कीमत 2 गुना और 3 गुना हो जाएगी, जिससे हमारे लाखों किसानों को आर्थिक लाभ होगा और किसान की आय भी बढ़ेगी। एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी। वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण परियोजना, उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण, क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।